hi students how are you i think that you are fit and fine today i am going to start english literature chapter 1 the grey hair students it is very interesting story and i think that uh, you listen it very carefully and enjoy it first of all

रहता था वेन नाइट केम ही erect. वन on लिशन alert. वो खरगोश क्या करता था वो रेबिट अपने कानों को एक कान को क्या करता था खड़ा कर लेता था एंड लिशन और क्या करता था सुनता था देन ही pricked हिज सेकंड ईयर इसके बाद वो रेबिट अपने सेकंड ईयर को भी क्या करता था खड़ा कर लेता था मूव्ड हिज विस्कर्स स्नेप्ड एंड सेट डाउन ऑन हिज हैंड लेग्स इसके बाद जो उसके विस्कर्स होते हैं जो उसकी मूछे होती है उस मूछों को वो क्या करता था इधर उधर मूव करता था और अपने हैंड लेग पर वो क्या करता था बैठ जाता था देन ही टुक अ लीप ऑल टू ओवर द डीप स्नो एंड अगेन सेट डाउन ऑन हिज हैंडलैग्स एंड लूड अराउंड क्या करता था एक या दो स्टेप उस डीप स्नो में वो कूदता था और फिर अपने हैंडलेग्स पे वो बैठ जाता था और अपने चारों तरफ देखता था नथिंग कुड बी सीन बट स्नो स्टूडेंट्स इट वॉज द विंटर सीजन

Uh, बर्फ थे वो बर्फ की एक वेव्स थी और वो शुगर की तरह जो है क्या कर रहे थे चमक रहे थे ओवर द हेयर्स हेड हॉवर्ड अ फ्रॉस्ट वेपर एंड थ्रू दिस वेपर कुड बी सीन द लार्ज ब्राइट स्टार्स और जो हॉवर्ड मीन्स लिंगर्ड क्लोज एट हैंड इन एन अनसर्टेन मैनर और जो हेयर है उसके सिर के ऊपर जो है जो फ्रॉस्ट के वेपर्स थे उसके सिर के ऊपर पड़े हुए थे एंड थ्रू दिस वेपर कुड बी सीन द लार्ज ब्राइट स्टार्स एंड जो वहाँ पे इतने ज्यादा वेपर्स थे स्नो के फिर भी जो स्टार्स थे वहाँ पे वो ब्राइट कर रहे थे चमक रहे थे द हेयर हैड टू क्रॉस द हाईवे इन ऑर्डर टू कम अ थ्रेशिंग फ्लोर अब वो जो रैबिट है उसको क्या करना था एक हाईवे को क्रॉस करना था और क्रॉस करके एक थ्रेशिंग फ्लोर मीन्स हार्ड लेवल सरफेस ऑन विच कॉर्न और अदर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आम, जहाँ पे जो जहाँ पे जो आ, अपनी हार्वेस्ट होती है क्रॉप होती है उससे जो ग्रेंड्स होते हैं ना उसको वहाँ पे अलग किया जाता है उस सरफेस पे उसको क्या करना था आना था ऑन द हाईवे द रनर्स कुड बी हॉर्ड स्क्रीकिंग और जब वो हाईवे पे पहुँचता है तो वो क्या करता है जो रनर्स थे हाईवे पे चलने वालों की वो आवाज़ को सुनता था उनकी एल उनकी चीख को सुनता था एंड द हॉर्से स्नोटिंग एंड जो घोड़े थे उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनता था एंड सीड्स क्रैकिंग इन द स्लेश और जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो स्लेस से क्या हो रहे थे टूट रहे थे द हेयर अगेन स्टॉप नियर द रोट फिर से वो रैबिट क्या करता है हेयर वो रोड के पास में रुक जाता है

कैप्टन्स थे और जो पीजेंट्स थे उनके जो फेस थे वो बड़ी मुश्किल से दिखाई देते थे दियर बियर्स माउथ एंड आई लैसेस वर वाइट और स्टूडेंट्स जो उनके बियर्ड थे दाढ़ी थी उनकी जो मूछे थी और आई थे सब वो बर्फ से क्या हो गए थे वाइट हो गए थे स्टीम रोज फ्रॉम दियर माउथ एंड नोजेस और जो स्टीम्स होती है उनके माउथ और नोजेस से क्या हो रही थी बाहर आ रही थी देयर हॉर्सेस वर स्वीटी और जो उनके हॉर्सेस थे उनको पसीने आ गए थे एंड द हॉर्ड फ्रॉस्ट क्लंग्स टू द स्वीट और जो ओले थे उन उस हॉर्सेस के पसीनों से क्या हो गए थे चिपक गए थे द हॉर्सेस जोस्टर अंडर दियर आर्चेस जो जोस्टर मीस पुस्ट टू मूव पास्ट और जो घोड़े थे उनको जल्दी जल्दी अपने ऑर्चेस में डाइव इन करना था एंड जाना था एंड आउट ऑफ स्नो ड्रिफ्ट और वो जो बर्फ थी वहाँ से वो जल्दी से अपने आर्चेस में जाना चाहते थे द पीजेंट रैन बिहाइंड द हॉर्से एंड इन फ्रंट ऑफ देम और जो पिजेंट थे फार्मर्स थे वो उन हॉर्सेस के पीछे पीछे चल रहे थे टू पिजेंट्स वॉक बिसाइड इच अदर और हर एक हॉर्सेस के पीछे दो फॉर्मर्स जो है चल रहे थे एंड वन ऑफ देम टोल्ड द अदर हाउ

द हेयर लिव्ड अक्रॉस द रोड एंड सॉफ्टली वेड फॉर द थ्रेशिंग फ्लोर और फिर बड़े आसानी से वो रेबिट क्या करता है वो थ्रेशिंग फ्लोर की तरफ जो है चला जाता है अ डॉग शो द हेयर फ्रॉम अ कार्ड और एक डॉग होता है जो अपनी कॉट से क्या करता है इस रैबिट को देखता है ही बिगेन टू बार्क और फिर वो उसके ऊपर क्या करता है भोंकना शुरू कर देता है बार्किंग शुरू कर देता है ही डार्टेड आफ्टर द हेयर डार्टेड मीन्स मूव्ड आर रैन समवेयर फिर वो जो डॉग है वो रेबिड के पीछे क्या करता है भागता है उसका चेज करता है द हेयर लिव टूवर्ड द्रेशिंग फ्लोर ओवर द स्नो ड्रिफ्ट फिर वो जो हेयर है वो थ्रेशिंग फ्लोर की तरफ बर्फ के ऊपर से थ्रेशिंग फ्लोर की तरफ चला जाता है बट द डॉग गॉट स्टक इन द स्नो एंड स्टॉप और वो जो डॉग है वो क्या करता है उस बर्फ में रुक जा बर्फ में फंस जाता है और रुक जाता है उसका चेज नहीं कर पाता देन द हेयर टू स्टॉप एंड सेट अप ऑन हिज हैंड लेग्स एंड देन सॉफ्टली वेंट ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर इसके बाद जो हेयर है वो भी शांति से बैठ जाता है अपने हैंड लेग पे और फिर आराम से शांति से वो जो उसका थ्रेशिंग फ्लोर है जहाँ पे आ, हार्वेस्ट से कॉर्न को सेपरेट किया जाता है वहाँ पे वो आसानी से पहुँच जाता है ऑन हिज वे ही मेड टू अदर हेयर्स ऑन द सोड विंटर फील्ड दे वे आर फीडिंग एंड प्लेइंग जब वो जा रहा था तो उसे रास्ते में उसके दो और फ्रेंड मिलते हैं जो कि विंटर आ, का सीजन है और विंटर सीजन में आ, खेतों में कुछ शो किया गया है कुछ सीड्स बोए गए हैं जिसका वो क्या करते हैं इन्जॉय करते हैं उनके साथ में एंड प्लेइंग और क्या करते हैं प्ले करते हैं खेलते हैं द हेयर प्लेड अ वाइल विद हिज कंपेनियंस फिर वो हेयर क्या करता है अपने कंपेनियंस के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा खेलता है डॉग अवे द फ्रॉस्टी देम और वो जो फ्रॉस्टी स्नोज है उसको क्या करता है अपने आ, फ्रेंड के साथ में उसको ड करता है खोदता है एट द विंटर ग्रीन एंड वेंट ऑन और फिर क्या करता है कि जो विंटर सीजन में जो ग्रीन ग्रीन सीड्स है उसको खाता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं इन दिलेज एवरीथिंग वॉज क्वाइट द फास्ट वर आउट और इन दिलेज एवरीथिंग वॉज क्वाइट और जो गाँव थे जब वो गाँव में पहुँचता है तो देखता है सब कुछ वहाँ पे बहुत शांत रहता है द फास्ट वर आउट और जो आग थी वो बाहर पड़ी हुई थी हट कोई भी व्यक्ति सिर्फ क्या कर सकता है कि सुन सकता है वो जो हट है जो झोपड़िया है उसमें बच्चों के रोने की और चिल्लाने की आवाज सुन सकते हैं एंड द क्रैकलिंग ऑफ द फ्रॉस्ट इन द लॉक्स ऑफ द केबिन और और उस केबिन में केबिन जो ये ऊट्स है ऊट्स का जो घर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं केबिन बोलते हैं ठीक है तो उसमें से आवाज़ आती है ठीक है क्रैकलिंग तीखी आवाज आती है कंटिन्यूइंग ऑफ शॉर्ट सॉर्फ वॉइसिस कम्स आउट फ्रॉम द केबिन बिकॉज बिकॉज द स्नो कवर्ड कवर्ड थ्रूली इट द हेयर वेंट टू द्रेशिंग फ्लोर एंड देयर फाउंड सम कंपेनियंस फिर वो हेयर क्या करता है वो थ्रेशिंग फ्लोर के पास में जाता है और वहां पर कुछ और अपने कंपेनियंस को पाता कुछ और भी फ्रेंड्स को पाता है ही प्लेड अ वाइल विथ दिम ऑन द क्लियर फ्लोर फिर वो उनके साथ में क्या करता है थोड़ा खेलता है और जो वहाँ पे ग्रेन्स वगैरह क्या है बिखरे पड़े हुए हैं उसको क्लियर करते हैं उसको खाते हैं और फिर वो कहाँ पे पहुँचते हैं एक ओपन ग्रेनरी पे पहुँचते हैं ग्रेनरी मीन्स स्टोर हाउस वहां पे पहुंचते हैं है। वहां पे, है, पे कुछ वो ओट्स वगैरह खाते हैं क्लाइम्ड ऑन द क्लेन ओवर द स्नो कवर्ड रूफ फिर इसके बाद वो क्लीन मीन्स फर्नेस भट्ठे जो होते हैं उस भट्ठे के ऊपर वो चढ़ते हैं ओवर द स्नो कवर्ड रूफ जो रूफ uh, है जो घर की वो छतें हैं वो बर्फ से क्या हुई है कवर है और वो उसके ऊपर चढ़ते हैं एंड क्रॉस द वीकर fence स्टार्टेड बैक ऑन हिज रेवाइन और फिर वीकर फैंस वीकर फैंस अ फैंस मेड ऑफ वेरी thin पीस ऑफ wood ट्विस्टेड टूगेदर और फिर वो रैबिट लोग क्या करते हैं कि जो फेंस है उसके ऊपर वो उसके ऊपर वो चढ़ते हैं एंड स्टार्टेड बैक ऑफ हिज रेवाइन और फिर उस फेंस को वो क्रॉस करके अपने रेवाइन अ डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड अपने जो नाले होते हैं जो उनका होम होता है खड्डे होते हैं तो वो अपने खड्ढों में वापस आ जाते हैं स्टूडेंट्स आई थिंक दैट यू इन्जॉयड इट वेरी मच एंड वन टाइम यू हैव टू लर्न द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर ओके थैंक यू स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर